So, hello guys, welcome to this market outlook session. And today we will discuss about the market plan for 1st November 2022. So let us start now. First of all, let us see how is the data for tomorrow. So clearly, I have mentioned that clients are very bearish in this data. FIs are very bullish. So it means that the big players are bullish and the small players or retailers, we can say, they are bearish. Pros are bullish in index options, but they have added some shorts in index futures. Our conclusion is we can consider that the markets will be buy on dip for tomorrow, but it will be a wise decision to avoid making longs at higher levels, which I have mentioned that 18,100 to 18,120 is the level which can be considered as a higher level for tomorrow. And if the market is not sustaining clearly above it, it means that we have to maintain caution at this level. So first of all, let me explain the importance of this level. So I will take you on the daily charts of Nifty. So on the daily charts, you will be able to clearly see that market इसके ऊपर जाता नहीं, इस लेवल के ऊपर इतनी आसानी से जाता नहीं, एंड दिस लेवल इज 18,100 लेवल. तो टुमोरो ऑल्सो when it will be the third attempt of the market to touch this level, definitely this level will act as a good resistance. इसीलिए मैंने mention किया है कि अगर market gap up हो जाता है, which it is currently showing us कि gap up हो सकता है around 18,100. तो अगर gap up भी हो जाता है और around इस level के आसपास खुल जाता है, तो this level is a good supply zone and definitely बहुत ही अच्छी selling पहले भी इन level से आई हुई है. तो वी विल नॉट गो लॉन्ग एट दिस लेवल. वी विल वेट फॉर द मार्केट्स टू सस्टेन अबव दिस लेवल क्लियरली, एंड देन ओनली आफ्टर लुकिंग एट द लाइव मार्केट डेटा वी विल सी इफ वी कैन मेक एनी लॉन्ग्स अबव दिस लेवल. ठीक है, तो निफ्टी पे तो बाय ऑन डिप प्लान रहेगा अपना. तो अगर मार्केट 18,100 खुल जाता है, वी कैन वेट फॉर द मार्केट्स टू गिव अस अ डिप. अब डिप क्या हो सकती है कि मार्केट 18,100 के आसपास खुल जाए एंड इट गिव अस अ डिप टूवर्ड्स आर क्लोजिंग प्राइस और दिस ब्रेकआउट लेवल जहां से आज ब्रेकआउट आया था लास्ट. अगर यहां तक की कोई डिप आती है ऊपर खुलने के बाद, तो उस लेवल से वापस बाइंग कर सकते उस लेवल से फिर से बाइंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर बाय ऑन डिप प्लान. दूसरा प्लान ये है कि इफ मार्केट ओपन्स फ्लैट, एकदम फ्लैट खुल जाता है, थोड़ा सा स्मॉल गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, या फिर स्मॉल गैप अप हो जाता है, तो जो मतलब फ्लैट के आसपास खुल जाता है मार्केट, तो डेफिनेटली बाइंग आएगी. मार्केट शुरू में बाइंग आएगी बिकॉज द क्लोजिंग इज वेरी गुड. तो हुएवर इज एबल टू क्लोज द मार्केट वेल, विच इज बुल्स इन दिस केस. आज बुल्स ने अच्छे लेवल पे क्लोज किया है मार्केट को, ऑल्सो अबव 18,000 मार्क, तो इट इज अ रियली गुड क्लोजिंग. अगर फ्लैट खुलता है एंड प्रीवियस डे हाई के ऊपर ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली 18,100 का लेवल अचीव करने को मिल सकता है मॉर्निंग. तो दिस इज अ सिंपल प्लान फॉर निफ्टी. अगर गैप अप हो जाता है तो आई विल वेट फॉर सम डिप. डिप आने के बाद रिवर्सल दिखेगा तो ही लॉन्ग जाए. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. हो सकता है बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाए इवन आफ्टर निफ्टी इज ओपनिंग एट अ गैप अप, बिकॉज गैप अप आईटी सेक्टर की वजह से भी हो सकता है मार्केट में. तो डेफिनेटली अगर बैंक्स फ्लैट खुल रहे हैं एंड इफ बैंक्स आर गिविंग यू अ ब्रेकआउट, देन डेफिनेटली आप बैंक्स के जा सकते हैं. यू कैन अवॉइड निफ्टी एंड लुक फॉर बैंक्स. आज मैंने आपको बताया था निफ्टी इज लुकिंग बेटर फॉर ट्रेडिंग, एंड टुमोरो हो सकता है बैंक्स आपको ज्यादा अच्छे लगे बिकॉज बैंक हैज मेड अ हायर लो स्ट्रक्चर. तो लोज ऊपर शिफ्ट हुए हैं एंड दे हैव ऑल्सो मेड इक्वल रेजिस्टेंस. ठीक है, मतलब एक ही जगह पे रेजिस्टेंस बनाई है, लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं. तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी में. तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद अपन को प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे रही है, जो की लेवल है इसका ब्रेकआउट आ रहा है कल, देन डेफिनेटली वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स इन निफ्टी बैंक. वी विल अवॉइड निफ्टी देन एंड वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो रही है, तो अगेन वी कैन से दैट सेम प्लान ही फॉलो करेंगे निफ्टी वाला. अगर बैंक्स की वजह से गैप अप हो रहा है, तो वी विल वेट कि बैंक आए, गैप फिल करें, डिप दे अपने को एक अच्छी, यहां से रिवर्सल दें, और जब वो रिवर्सल आएगा तब वी कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग ऑन बैंक. सो सिंपल प्लान इज या तो बाय ऑन डिप ट्राई करेंगे अगर गैप अप हो जाता है तो, और फ्लैट खुलता है और प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, तो देन वी विल लुक फॉर लॉन्ग्स इन दैट केस. दिस इज अ सिंपल मार्केट प्लान फॉर टुमारो एंड यू कैन फॉलो दिस प्लान एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स. ओके,
Thank you, guys. Have a nice day and have a great trading session tomorrow.